चलो सर नमस्ते करो भाई। राम राम जी। मैं करतार सिंह आपके लिए बहुत बेस्ट चैलेंज लेकर आया हूँ, जून चैलेंज 21 डेज का। 21 डेज में हम कम से कम 10 किलो वजन घटाएंगे। आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा, बस वीडियो ऑन करो और डेली ये वाले वर्कआउट करो जो हम आपको डेली बताने वाले हैं। आप प्लीज मैसेज करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन जून चैलेंज हमारे साथ शुरू कर रहा है, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट डे और फर्स्ट डे में बहुत बेस्ट एक्सरसाइज, जस्ट ओनली 4 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करो और अपना ऑफिस जाओ, हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा सारे वर्कआउट्स फिनिश करने में, हार्डली आधा घंटा। तो सबसे पहले नॉर्मल वार्म अप करो। वार्म अप के लिए हमारे बेसिक स्ट्रेचेस करने होते हैं, लाइक घुटना घुमाना हुआ, शोल्डर मूविंग हुई, वेस्ट ट्विस्ट हुआ। देन उसके बाद हार्डली 2 मिनट की स्ट्रेचेस के बाद पहला वर्कआउट, पहला वार्म अप। दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे, कम ऑन एवरीवन, रेज योर हैंड्स। एंड किस तरह से करना है, टैप रनिंग, किस तरह से 1 2 3 4 5 6। किसी को ज्यादा ऊपर ना हो तो थोड़ा नीचे भी कर सकता है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9, come on, 30 1 2 3 4 and 5. Very good, now relax, come on, हाथ नीचे एंड डाउन, टेक रेस्ट हियर। तो इसके 35 35 के कम से कम 5 सेट। अगर अभी शुरुआत कर रहे हो तो 3 सेट बहुत है, ठीक है। अब बीच में हार्डली आपको 15 से 20 सेकंड का रेस्ट करना है बस। नाउ अगेन सांस ले तो ऊपर आ जाओ, डीप ब्रीथ। ओके नाउ द सेकंड एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल। अच्छा एक चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे, बीच में ना बहुत लोग पानी ज्यादा पी लेते हैं। हार्डली आपको 1 घूंट या 2 घूंट ही पानी पीना है बीच में, ठीक है, अगर ज्यादा गला सूखता है तब, अदरवाइज कोशिश करो कंट्रोल करो, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। किसी के घुटनों में दर्द है तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन बताऊंगा। पहले देखो कैसे करना है, 1 2 पूरे हाथों को पर स्ट्रेच करना है, ठीक है। एंड ऑफ द सेकंड ऑप्शन, अगर किसी के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ज्यादा वेट है, जंप नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, पाँव का पूरा गैप करते हुए इस तरह से 1 2 3, ठीक है। Come on, another second round. Come on, everyone. 3 2 and I'll start. Come on. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 and 35. Very good, now just relax here. Twist कर लो सभी, come on, twist करो, थोड़ा पाँव को खोलो। Very good, now twist. और जब भी rest करोगे please rest में बैठना नहीं है आपको, कुछ ना कुछ ऐसी activity करते रहना है जो आपकी body पर कहीं ना कहीं असर जरूर करे। तो आपको अच्छे से twist करना है so that आपकी कमर बहुत जल्दी पतली हो। इस तरीके से हल्का से tummy tight करेंगे and of the leg. This 1 2 3, थोड़ा सा हाथों खोलेंगे, इसके फोर्स की वजह से, इसके वेट की वजह से आपको एक अच्छा ट्विस्ट मिलेगा ऐसे। 2 2 3 3, अगर आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील नहीं हो रहा दैट मीन्स यू आर डूइंग इनकरेक्ट, ठीक है। तो अच्छे से स्ट्रेच करते हुए इस तरह से ट्विस्ट करेंगे बीच में जब आप रिलैक्स कर रहे होगे। तो इसके भी 35 35 के शुरुआत अगर कर रहे हो तो 3 सेट, और 3 सेट के बाद उसके बाद करते 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 इसके भी 5 सेट करेंगे। हाँ एक चीज और, लेकिन गर्मियों का टाइम है, बहुत जल्दी वेट घटता है, बहुत ही जल्दी। बट एक चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओवर ईटिंग से बचेंगे। एंड नाउ रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स, परफेक्ट। दोनों हाथों को इस तरह से मूव करो, इस तरह से मूव करने की वजह से आपका हाथों का फैट, अपर बॉडी का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, कम ऑन करते रहो। और एक चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग भी सब, प्लीज पानी अच्छे से पीजिए। जितना अच्छे से पानी पियोगे, लिक्विड ज्यादा लोगे, लिक्विड डाइट ज्यादा लोगे, उतनी जल्दी आपकी बॉडी बहुत जल्दी पतली होगी। आप ज्यादा हैवी चीजें ना लो, कैलोरी ज्यादा ना लो, फाइबर से थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो, आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी और बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होगा। बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ, कोई ज्यादा हैवी चीजें नहीं बता रहा, कोई डाइट ऐसी चीज नहीं बता रहा, कोई आपको बाहर मार्केट से परचेज नहीं करना, कोई दवाई परचेज नहीं करनी। दवाइयों से आपके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप अच्छे से मेहनत करो, आपकी बॉडी में एनर्जी भी आएगी और आप बहुत जल्दी पतले भी हो जाओगे। प्लीज बाहर की अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करो, ठीक है, करोगे ना। चलो फिर से मैं यही चीज कह रहा हूँ, जून चैलेंज है, बहुत अच्छे से वर्कआउट करना, हार्डली आपको 15 मिनट लगेंगे ये सारे वर्कआउट फिनिश करके ऑफिस जाओ, हार्डली मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है।
चलो ना, थर्ड एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपके थाइस का फैट, टमी एंड शोल्डर, चेस्ट और अपर बॉडी का पूरा फैट स्ट्रेच होगा। किस तरीके से होगा, एक पांव को पीछे लो, कमान एक पांव पीछे ले लो इस तरीके से, एंड घुटनों को उठाते हुए ऐसे करेंगे लाइक वन टू, कमान एवरीवन, थ्री टू वन, अपना पीछे पहले सीधा पांव पीछे लो सारे, कमान सीधा पांव पीछे लो, वेरी गुड, थ्री टू एंड स्टार्ट, कमान वन टू थ्री, ये वाला पांव, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, नाउ रिलैक्स। देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है, बस बहुत सिंपल है। देखो कैसे करना है, पीछे एक पांव लो, ये आपके साथ भी दिक्कत होगी। देखो बहुत इजी है कम्युनिकेशन बनाना, बॉडी का कम्युनिकेशन सही होगा तभी जाके असर भी होगा। तो देखो कैसे करेंगे, एक पांव पीछे लो, ठीक है, और जो पांव पीछे रहेगा सिर्फ वही पांव ऊपर आएगा, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर खींचो एंड अक्रॉस हियर, वन वेरी गुड, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, डन। इस तरह से 15-15 के दोनों पांव का एक सेट हुआ। इसी तरह से आपको इसके कम से कम 3 से 4 सेट डेली करने हैं। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज हो गई, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, करके देखिएगा। बट एक चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हाथों को सीधा स्ट्रेच करेंगे, इसको शॉर्टकट में करोगे तो बॉडी भी शॉर्टकट वाली ही रहेगी, ठीक है, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे एंड पूरा क्रॉस करेंगे। ओके नाउ रिलैक्स। इसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और आपके लाइक शोल्डर मसल्स, लाइक बहुत से लोगों को यहाँ पर साथ ज़्यादा फैट होता है, बुरा लगता है, आपको ये सब चीज़ें यहाँ से ख़त्म करनी है, साथ ही साथ मसल्स भी क्रिएट करनी है, आपका एनर्जी लेवल बढ़े, इस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखते हैं। बर्पी टाइप की एक्सरसाइज है, कैसे करेंगे, देखो दोनों हाथों को नीचे टच करो और पाँव को पीछे लेके जाओ, ये बहुत ईजी होती है, किसी का वेट ज़्यादा भी हो डाउन पूरा लेट जाओ, भुजंगासन में उठो एंड पीछे फिर से पाँव आगे ले आओ एंड अप। देखो ये बहुत ईजी होती है, हार्डली वो बहुत मुश्किल होती है कि आगे जाओ फिर देन पीछे आओ फिर उठो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये भी उतनी ही इफेक्टिव है। बहुत ईजिली आराम से ऐसे रखो, पाँव को पीछे ले जाओ, लेटो, श्वास लेते हुए भुजंगासन में उठना है एंड देन फिर से आगे आके खड़े होकर पूरा स्ट्रेच करना है, हाथों को कंटिन्यू करते रहो। और डाइट के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, शाम के टाइम में कोशिश करो कि रोटियाँ चावल ये सब चीज़ें अवॉइड करो, हल्का खाना खा, जैसे घिया की सब्जी, लौकी हो गई, तोरई हो गई, इन चीज़ों की सब्जी खाओ, हल्की सी दाल बना लो, पतली दाल बना लो, बहुत पतली खिचड़ी बना के आप वो खा सकते हो, ठीक है, 100% आपका वेट रिड्यूस होगा। और हमारा जरा फर्स्ट डे है, आप मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आज आपने फर्स्ट डे कब से शुरू करा है और किस किस ने शुरू करा है। कमान एवरीवन, पूरा स्ट्रेच करके परफेक्ट, ठीक है, होप आप ये वाला फर्स्ट डे चैलेंज जरूर लेंगे। एंड किसी भी तरह का कोई इशू हो, किसी भी एक्सरसाइज के बारे में कुछ और पूछना हो तो प्लीज मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। ओके जी, कमान नाउ रिलैक्स एवरीवन, और इस वाली एक्सरसाइज के हर किसी को 2020 के 3 सेट्स करने हैं। कमान एवरीवन, नाउ नमस्ते एंड राम राम।